नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आदि पुरुष और उस पर हो रही राजनीति और वास्तविक छवि को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर मैं रामचरित मानस की एक लाइन से उन सबकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास करूंगा जो भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आचरण को, मर्यादा को, शिष्टाचार को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोमल छवि को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, मलिन प्रयास कर रहे हैं, घृणित प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो लाइन है कि रुको जरा, सबर करो। बेचह वेद धर्म दिले ही, पिसुन पराय पाप कह दे ही। आगे सुनिएगा। कपटी कुटिल क्लह प्रे क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। इसकी लाइन है, इसका अर्थ है कि जो लोग वेद को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुंगुलखोर हैं, दूसरों के पाप को कहते हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं, क्लह प्रिय हैं और क्रोधी हैं, और जो दिन प्रतिदिन वेदों की निंदा करने वाले हैं वो विश्व भर के विरोधी हैं। इस लाइन को संदर्भित करते हुए मैं उन सभी लोगों को कह रहा हूँ जो भगवान श्री राम, हनुमान जी, माता सीता की पवित्र छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए यह लाइन सबसे ज्यादा उपयुक्त बैठती है। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो इस लाइन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ऐसी फिल्म बनाकर धर्म का धंधा करने वाले रामचरितमानस से कुछ सीख सकें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे कौन सी मॉडर्न साइंस की रामायण दिखा रहे हो? रामायण और महाभारत में तीर, भाला, गदा और रथ से लड़ाई हुई थी, और तुम आज इसको रिप्लेस करके AK-47 मिसाइल से दिखा दोगे और रथ की जगह किसी जेट विमान को दिखा दोगे जिस पर बैठकर अर्जुन तीर चला रहे हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ अगर कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो क्या उनको बीन बजाता हुआ दिखा दोगे? और अगर भगवान महादेव शिव शंकर जी अगर कैलाश पर नृत्य करते थे तो एक कार्टून बनाकर किसी डीजे के सामने उनको नृत्य करता हुआ दिखा दोगे और बता दोगे कि यह तो मॉडर्न साइंस की फिल्म है, पिक्चर है, इसे मॉडर्न साइंस का जामा पहना दोगे? ये कौन सी बात हुई? अब यहाँ पर जो रामायण पर आधारित नई फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई है उसके कारण एक राजनीतिक तूफान सा भी आ गया। अब उसे समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर विपक्ष जो हमलावर है उसके विषय में भी जानेंगे। कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी ने भारतीय संवेदनाओं को आहत करने के लिए फिल्म पर निशाना साधा और बताया कि भाजपा फिल्म के साथ शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र की इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने फिल्म में प्रयोग की गई भाषा को टपोरिया कहा और कहा कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि धर्म और धर्म के व्यवसाय के बीच अंतर होता है, जैसा कि मैंने पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया। आप अपनी चाटुकारिता के दम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेंगे लेकिन प्रतिभा की कमी आड़े आएगी। ठीक है, अगर कंट्रोवर्सी में मतलब इसकी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, अगर भी हो भी गई तो ये वह सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएगी जो यह प्राप्त कर सकती थी। बेशक रामानंद सागर जी के पास इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं थी, वीएफएक्स नहीं थे, कलाकार नहीं थे, लेकिन जो व्यक्ति थे वे आचरण वाले थे, उन्होंने किसी भी प्रकार से इस तरीके से दुष्टता नहीं दिखाई। इससे पहले अभी जल्द में असुर रिलीज हुई है जो कि कल के अवतार पर आधारित, तो उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें ऐसी कोई सीन ही नहीं है कि जो भारतीय संविधान और हिंदू धर्म की मान्यताओं को आहत पहुंचा रही हो। वही है ना कि पैसा खूब कमा लोगे, लेकिन उसके साथ साथ आलोचना खूब ज्यादा हो ही रही है और जो सम्मान मिलना चाहिए था वो तो खत्म कर दे रहे हो। तो वही है कि हमारे यहाँ गाँव में एक लाइन कही जाती है कि पैसा तो बेस्या भी कमाती है, वही हिसाब किताब तुम्हारे साथ भी घटित हो जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि जो लेखक हनुमान को तेरे बाप की जली कहता है वह बहुत ही अश्लील किस्म का है। हमारे सभी देवी देवताओं की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राम का कोमल चेहरा और भक्त में डूबे भगवान श्री हनुमान जी का चेहरा है जिसे दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। बचपन से ही हनुमान को ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में कुछ अलग ही दिखाया गया। उन्होंने कहा कि राम को एक योद्धा और राम और हनुमान को एक क्रोधित पक्षी के रूप में दिखाया गया है, जैसा कि आप फिल्म में देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ राजनीति यहाँ पर काफी ज्यादा हो रही है और एक आरोप यह भी लगाया जा रहा है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रामानंद सागर को महाकाव्य धारावाहिक रामायण बनाने का सुझाव दिया जो बेहद लोकप्रिय हो। आदि पुरुष के बहाने भगवान राम और हनुमान की तस्वीर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और पात्रों के मुंह पर अभद्र शब्द डाल दिए गए हैं, इससे युवा पीढ़ी क्या सीखेगी? और सही बात है, अभी जो जिन्होंने पहली बार इस फिल्म को देखा है, जो बच्चे आज
युवा हैं हम लोग, मान लीजिए एक दो बार नहीं कई बार देख चुके हैं रामायण, जो आज पहली बार इसे देखेगा वो तो यही जानेगा कि हनुमान जी तो एकदम इसी टाइप के थे, और जो मेघनाथ है उसको पूरा कार्टून बना दिए हैं, वो भी काफ़ी भक्त था, और जो रावण है वह बेशक ही बहुत गलत रहा हो लेकिन आज भी उसकी छवि एक बेहतर व्यक्ति के, एक पुजारी के, मतलब कितनी भी कमियां रही हों लेकिन उसमें बहुत से गुण उसमें देखे जा रहे हैं, बहुत सी उसकी अच्छी आदतें भी थी। वह परम शिव भक्त था लेकिन अपने अहंकार के कारण मारा गया, तो वो जो अहंकार है वही उसके पतन का कारण था, और सभी बातें उसमें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सही थी। और जब लास्ट में वह जा रहा था तो उसने कहा कि मैंने आपके बल पर कुछ नहीं, जो शक्तियाँ मैंने प्राप्त की उन्हीं के दम पर अहंकार किया, उन्हीं का उपयोग किया, उन्हीं के बल से लोगों का शोषण किया। तो ये सब इसके बाद बाघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को धर्म का संरक्षक कहने वाले राजनीतिक दलों के लोग इस फिल्म पर चुप क्यों हैं? दी कश्मीर फाइल्स और दी केरला स्टोरी पर बयान देते रहे बीजेपी नेता आदिपुरुष पर चुप क्यों हैं? यहां तक कि बीजेपी के निचले पायदान के नेता भी इस पर कुछ नहीं बोले। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता हिंदू धर्म और इसके देवताओं का अपमान करने वाली फिल्म में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मोहन लाल खट्टर, असम के हेमंत बिस्व और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित भाजपा के नेता और मुख्यमंत्रियों के आशीर्वाद से यह फिल्म बनाई गई थी। और हिंदू धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता, बजरंगबली हनुमान सभी का अपमान किया जा रहा है इस फिल्म में, ऐसा जो है सिंह साहब ने। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिल्म में ऐसी आपत्तिजनक और घिनौनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसका रामचरितमानस या रामायण से कोई संबंध नहीं है। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, इस तरीके से जलेगी भी तेरे बाप की, तो इस तरीके से जो डायलॉग यूज किए गए हैं वो डायलॉग हैं या फिर आज के जमाने की प्रचलित गालियां हैं, यह भी समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ बहुत सी हैं कि मतलब मेरे एक छोटे से सपोले ने लंबा कर दिया, अभी बहुत से लोग बाकी हैं, तो इस तरीके से बहुत से डायलॉग हैं जो कि चार पांच जो बहुत ही घिनौने तरीके से पेश हो रहे हैं। तेरे बुआ का बगीचा है जो यहां हवा खाने चला आया, इस तरीके से जो डायलॉग मारे गए हैं वो आज के ज़माने के की एक तरीके से गाली के तौर पर ही प्रस्तुत हो रहे हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि उनको तोड़ मनोड़ कर पेश कर दिया गया है। और इसको बायकॉट करने की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वह गुंडों की पार्टी है और धर्म का अहंकार भी दिखा रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये भाजपा वाले ना तो राम के हैं, ना तो आम आदमी के हैं, ना ही किसी काम के हैं। तो राजनीतिक टिप्पणियां होती रहती हैं इधर से भी उधर से भी, और आशा करता हूँ आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। और जो ऊपर की लाइन मैंने आपको बताई और थोड़ी सी कटिंग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, अगर उससे सहमत हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे कि लोग समझ सकें कि धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या होती है और धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।